नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पवई की सक्रियता के परिणाम स्वरूप अलग अलग स्थान से ग्रामीण अंचल में अवैध रूप से चल रहे अहातों पर छापामार कार्यवाही के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़े जाने की खबर आई है। साथ ही एक अन्य कार्यवाही में ग्राम रेहुटा निवासी के पास कट्टा तथा जिंदा कारतूस मिलने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी पवई सुधीर बेगी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्ण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन एवं SDOP सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए माइनर एक्ट गुंडों, बदमाशों एवं अवैध शराब कारोबारियों और अवैध शस्त्रों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पवई थाना पुलिस को 22 अक्टूबर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सुनेही निवासी राजकुमार पाठक, पिता उमा प्रसाद पाठक, उम्र 40 वर्ष के पास अवैध शराब का धंधा संचालित हो रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जिस पर आरोपी के घर से देसी प्लेन शराब 295 क्वार्टर कुल 53 लीटर कीमत 23,600 जब्त कर आरोपी सहित कार्यवाही की गई। इसी तरह 25 अक्टूबर को जगनपुरा तिराहा में आरोपी संदीप शर्मा, पिता महावीर शर्मा, निवासी वार्ड क्रमांक 1 को एक कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार 26 अक्टूबर को सुनवारी निवासी मृत लोधी, पिता सारंगी लोधी, उम्र 30 वर्ष के कब्जे से शराब के कुल 309 क्वार्टर कुल कीमत 27,910 आरोपी सहित कार्यवाही की गई। इसी प्रकार 30 अक्टूबर को मुखबिर से प्राप्त सूचना के मुताबिक सूचना की तस्दीक करने पर ग्राम रेहुटा से आरोपी बद्री प्रसाद राजपूत, पिता स्वर्गीय शंकर सिंह राजपूत, उम्र 30 वर्ष के कब्जे से 315 बोर का कट्टा तथा 2 जिंदा कारतूस, जिसकी कुल कीमत करीबन 3800 आकी गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्यवाही सहित गिरफ्तार किया जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय पवई में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री साई कृष्ण छोटा, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती आरती सिंह और श्रीमान SDOP महोदय पवई श्री सौरभ रत्नाकर के मार्ग निर्देशन में लगातार ही पुलिस सर्चिंग कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान कल दिनांक 30/10/2023 को मुखबिर द्वारा बताया गया कि ग्राम रोहटा में एक व्यक्ति अवैध कट्टा लेकर घूम रहा है, तो तत्काल ही पुलिस द्वारा दबिश कार्रवाई की गई, जो आरोपी बद्री सिंह राजपूत निवासी रोहटा के कब्जे से एक अवैध कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया है। इसी तारतम्य में 22/10/2023 को कछवा पवई में ही सूचना मिली थी, जो आरोपी राजकुमार पाठक निवासी सुनेही के कब्जे से 295 क्वार्टर शराब, जिस पर धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम किया गया है। इसी तारतम्य में 26/10/2023 को इमरत लोधी निवासी सुनवारी के कब्जे से भी 310 देसी क्वार्टर शराब के जब्त किए गए थे। दोनों पर 34(2) की आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसके 25/10/2023 को कछवा पवई में सूचना मिली थी कि संदीप शर्मा अवैध कट्टा लेकर घूम रहा है, जो तत्काल दबिशकार उसके भी कब्जे से एक अवैध कट्टा और कारतूस बरामद किए गए थे। उसके विरुद्ध भी अवैध शस्त्र के रखने के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। निरंतर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जनता का भी सहयोग मिल रहा है,